क्या एनिमल मूवी में किसी कम्युनिटी को गलत तरीके से दिखाया गया है या दर्शाया गया है, या किसी कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, या उसको डिमेन किया गया है, या यूं कह सकते हैं कि क्या एनिमल किसी कम्युनिटी के विरोध में है? ये बात क्यों उठ रहा है? आप दोस्तों समझिए कि जब से एनिमल मूवी रिलीज हुई है तब से चर्चा का विषय बना हुआ है, कभी अपने नेगेटिव वजह से, कभी पॉजिटिव वजह से। नेगेटिव वजह क्या है? जब से एनिमल रिलीज हुई तो इसके जो रिव्यू आए तो बहुत मिक्स रिव्यू आए। बहुत लोगों ने इसकी बहुत बुराइयां की, इसके बारे में टॉक्सिक लैंग्वेज के बारे में तरह तरह का रिव्यू किया। पॉजिटिव क्या हुआ कि बहुत लोगों ने, पब्लिक जो परसेप्शन है, ओपिनियन है, वो लोगों ने फिल्म को लाइक किया और बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी कलेक्शन करके दिखाया। तो हमेशा से एनिमल जो है इसके नेगेटिव और पॉजिटिव वजहों से चर्चा में रही है। अब एक नया चर्चा ये बन गया है कि जो संदीप रेड्डी बांगा के भाई हैं, उन्होंने एनिमल को लेकर एक बहुत बड़ा बात बोला, जो आजकल सोशल मीडिया से लेकर न्यूज में खबरों का एक विषय बन गया है। आज इस वीडियो में यही हम चर्चा करेंगे, जो संदीप रेड्डी बांगा के भाई प्रणय रेड्डी बांगा है, उन्होंने क्या बोला है। लेकिन उससे पहले, अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपके भाई रणधीर सिंगर का, तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और कमेंट करते रहें। कमेंट इसलिए बोलता हूं कि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, आपके कमेंट से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि संदीप रेड्डी बांगा का कई इंटरव्यू आ चुका है और मैं कई इंटरव्यू को कवर करके उसका एनालिसिस भी किया है। संदीप रेड्डी बांगा का नया इंटरव्यू आया जिसमें कनेक्ट FM कनाडा जो फरदियान सयारयार का है, उनसे जब उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि भाई एनिमल मूवी में आपने अबरार के कैरेक्टर को एक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ क्यों दिखाया गया, क्योंकि इसका काफ़ी विरोध हो रहा है, जिसमें कि अबरार के कैरेक्टर को देखेंगे कि वो शराब पीता है और गलत फ्रेम में दिखाया गया है, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी में शराब पीना मतलब गुनाह माना जाता है, एकदम वर्जित है, नहीं पीना चाहिए, तो ऐसा आपने क्यों दिखाया? तो संदीप रेड्डी बांगा ने उसका पूरा जवाब दिया, मैं आपको पूरा वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि अबरार एक मुस्लिम क्यों है। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर असफलताओं का अनुभव करने के बाद धर्म परिवर्तन करते हैं और अबरार ने यही किया। इसने उन्हें अबरार को एक ऐसे चरित्र के रूप में डिजाइन करने का बहाना भी दिया जिसकी कई पत्नियां हैं। गैलाटा प्लस से बात करते हुए वांगा ने आगे बोला, कमजोर लोगों के धर्म और अंधविश्वास की ओर मुड़ने की अधिक संभावना होती है और उन्होंने वास्तविक जीवन में ऐसे होते देखा है। वो खुद बता रहे हैं कि ऐसा हमेशा होता है कि जब आदमी को जिंदगी में असफलता मिलती है तो वो सोचता है कि कहीं ऐसे जगह जाए जहाँ पे उसके कम से कम दिल हल्का हो सके या उसको रास्ता नजर आए। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित होना, कि उसको लगेगा कि ये धर्म मुझे नया रास्ता सुझा रहा है और नई तरीके से जीवन जीना बता रहा है जो कि सफल हो सकता है। तो उन्होंने आगे बोला कि उन्होंने वास्तविक जीवन में ऐसा होता देखा है। फिल्म में अबरार अपने दादा की मौत के बाद सदमे में है, जिसके कारण वह मुक्त हो जाता है और बाद में जब उसका भाई मारा जाता है तो वह रणविजय के खिलाफ युद्ध पथ पर निकल जाता है। बाद में पता चलता है कि वह संबंधित है। तो उनका कहने का मतलब है कि कोई भी, जो मैं धर्म को निगेटिव में नहीं दिखाना किसी धर्म के खिलाफ हूँ, मैंने ये दिखाया कि कोई भी व्यक्ति जब अपने असफलताओं के बीच में घिर जाता है तो दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित होता है। और आगे वो बोलते हैं कि मैंने लोगों को देखा जब वे शून्य आत्मविश्वास के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो लोग आते हैं और उनसे कहते हैं किसी चर्च में जाओ या किसी बाबा के पास जाओ या कुछ तावीज़ देगा, अपना नाम बदल दो। मैंने लोगों को अपना धर्म बदलते देखा क्योंकि उनके साथ बहुत कुछ हो चुका है। निम्न बिंदु पर उन्हें ऐसा लगता है कि एक नया जन्म है और यह पूरी तरह से पहचान का परिवर्तन है। बहुत से लोगों को, मैं ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ बोला है मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित होते देखा है। हमने कभी किसी को हिंदू धर्म में परिवर्तित होते नहीं देखा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका उपयोग करूँगा, क्योंकि इस्लाम में आप कई पत्नियाँ पा सकते हैं, मेरे अलग अलग चेहरे वाले कई चचेरे भाई बहन हो सकते हैं,
नाटक बड़ा होगा, यही एकमात्र कारण था। ये किसी मुसलमान को छवि खराब छवि में दिखाने का कोई इरादा नहीं था। तो मैंने वो पूरी बात बताई जो संदीप रेड्डी भांगा ने इंटरव्यू में बोला। मैं पोर्टल का नाम भी आपको बताया था कि गैलाटा प्लस से बात करते हुए उन्होंने सारी बात बोली। इसी इंटरव्यू में आगे उन्होंने बोला कि जो पत्रकार हैं जो इसके बारे में गलत रिव्यू दिए, जो अनुपमा चोपड़ा खुल करके नाम लिया और राजीव पसंद, वो लोगों ने कितने गलत गलत बोले, इवन जाने के लिए कि पिक्चर देखने मत जाओ यहाँ तक बोले। उन्होंने ये भी बोला कि दैट्स त्यागी, मतलब काफ़ी सबका नाम लेकर खुल के बोला। और अब पन्ना रेड्डी भांगा जो कि इस मूवी के को प्रोड्यूसर भी हैं और संदीप रेड्डी भांगा के भाई हैं, उन्होंने इसके ऊपर एनिमल के इस जो मुस्लिम जो कैरेक्टर अबरार को बनाया गया उसके ऊपर उन्होंने जवाब देते हुए क्या बोला, मैं पूरी लाइन बाई लाइन आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला कि हाउ पीपल कॉलिंग देम आउट ऑफ द सोइंग एन एंटागोनिस्ट एज ए मुस्लिम मैन इज टोटली अनकॉल्ड फॉर। ही शेयर दैट फ्रॉम द पास्ट 20 to 30 ईयर्स वेन द एंटागोनिस्ट यूज टू वियर टीका एंड वेयर शोन फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी एट द टाइम पीपल डिड नॉट हैव एनी इशूज बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइम द विलेन बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी पीपल सडनली हैव इशू विद द विलेन्स रिलीजन। ही फर्दर स्टेटेड दैट पीपल आर हैबिचुअली डिवाइडेड। तो उन्होंने बोला कि ये जानबूझकर कम्युनिटी को डिवाइड किया जा रहा है, कराने का प्रयास किया जा रहा है और ये करारा जवाब दिया ऐसे लोगों को जो इस मूवी को लेकर कम्युनिटी में आपस में फ्रिक्शन पैदा करने का प्रयास करा रहे हैं कि ये मूवी जो है ये कम्युनिटी के खिलाफ है। तो ये बहुत अच्छा जवाब दिया और मुझे लगता है कि कोई भी पत्रकार, कोई भी देश का मीडिया कंपनी हो, उसको ये सोच समझ के बोलना चाहिए कि आपके बातों से, आपका जो वक्तव्य है उससे किसी कम्युनिटी को आप डिवाइड करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हो। तो ये मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं और बताऊं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।